अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, हम लोग तैयार हो गए हैं और खान जी ने मिलाद रखा था उम्र से आने की खुशी में, तो हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। मैं, अम्मी और जैगम जा रहे हैं और हमने रक्षा कर लिया है और जाते हैं। आज का पूरा ब्लॉग आपको मिलेगा मिलाद का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बने रहिएगा। शादी और मुलाकात हो रही है, मगर शादी ने उन्हें जवाब दिया है कि न बशर का हुस्न न उम्र का, अल्लाह जिस तरह से मगर आका दिशान देखे गुलशन नाज को आबाद करेंगे, बस तू महफिले मिलाद शब रोज किया कर, बस तू महफिले मिलाद शब रोज किया कर, फिर देख कि सरकार तेरी हश्र में इमदाद करेंगे, कि सरकार तेरी हश्र में इमदाद करेंगे, बेशक करेंगे। कायनात मिलकर इसे करेंगे, उसकी शक्ति सिर्फ उसकी शक्ति। तो इंसानों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, अल्लाह और उसके हबीब के पीछे जाने से। यकीन करें, कायनात की हर शेय आपके पीछे आएगी, मांगना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जन्नत की तरह, जैसे हम जन्नत में चले गए। आप यकीन करें, वहाँ आपको हर चीज़ नजर आएगी, तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक उसे देखने से आपको इतना सैर कर देगा कि आपको जरूरत ही मिलने लगेगी तोड़े और बंदा करने। तो इतनी मोहब्बत करता है रब अपने बंदों से। तो दुआ करें अल्लाह पाक भरम जो है हम पर, कि हम जन्नत में जाएंगे उनके साथ इंशाल्लाह, ये भरम और यकीन कायम कायम रहे। तो नाते सरकार की नहीं पड़ता, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। के नाते सरकार की नहीं पड़ता, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम पसीना है मेरा, दर्दो मर्म में मैं पड़ता हूँ, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। और सुना है कोई बात अंधेरी होगी, और सुना है कोई बात अंधेरी होगी, तो कब्र का क्योंकि बचा के रखना किसके लिए? अगर उनके सिगर में भी नहीं दिया जिन्होंने ये सब कुछ दिया है, तो किधर जाके निकालोगे आवाज, किधर से मांगोगे, कहाँ जाके दोगे? तो आपका सबका रब उन्हें इज्जत बांट रहा है, अगर अभी भी धोखे में न लिया तो
जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, ये क्या दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। जिनकी कसमें मेरा रब करे न करे, अरे इसलिए नमाज में भी दोनों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका बल्ला के दिलदार बड़े ही आए। रब की बारगाह में अपने हाथ बुलंद किए और दुआ फरमाए। कुछ देर के बाद आका अपनी आंखें खोल कर फरमाते हैं, ए लाइफ मुझे उस खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, जब तक वो खुदा नहीं कहता मैं मोहम्मद अपने लबों को जुम्बिश भी नहीं देता, मैं नहीं कह रहा वो रब कह रहा है कि तेरे नसीब में औलाद नहीं। अल्लाह की रजा और अल्लाह के हबीब की जब उसने रजा सुनी रोने लगा, रोते रोते दरबार से वापस जा रहा था। मेरा ईमान क्या कि हर गुलाम रसूल का ईमान है कि वो दर इतना बड़ा है कि अगर वहां से इनकार हो जाए तब भी उम्मीद ना छोड़ो। टूटी हुई उम्मीद वो रहीम लेके जा रहा था, सीढ़ियां उतर भी नहीं पाया था दरबार की, कि रास्ते में अजद इमाम हुसैन उसे मिलते हैं जो कि उस वक्त सिर्फ 7 साल के। उम्र याद रखिएगा, मदद तब आएगा, उम्र 7 साल की है इमाम हुसैन की, मगर हुसैन तो हुसैन है, वो एक दिन का हो या मौला हुसैन हो, बात तो हुसैन की है, नवासा रसूल है हुसैन, फातिमा ज़हरा का चैन है हुसैन और मौला अली की आंखों की ठंडक है हुसैन। तो इमाम हुसैन ने जब देखा कि उसके नाना के दरबार से कोई रोता हुआ चला आ रहा है, आपने खेलना छोड़ दिया, हाथ देकर उस राइत को रोका, ए राइत क्यों रो रहे? उसने सवाल, 7 साल के तो प्यारे लग रहे होंगे, तो इतनी जबान से सवाल करते हुए सदके जाओ, मैं क्या मेरी याद नस्ल उन पर कुर्बान कि आपने पूछा है राइब क्यों रो रहा है, तो राइब कहता है इमाम हुसैन आप गवा रहिएगा, इमाम हुसैन आप गवा रहिएगा कि मैं आपके नाना के दरबार से खाली जा रहा हूँ। ये सुना इमाम हुसैन ने आपका चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से, आपने उसका हाथ पकड़ा और दरबार में लेके पहुंचे। मिंबर पे बैठे हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, नाना इसके नसीब का हाल क्यों नहीं है? फिर कहोगे कितने प्यारे लग रहे हैं, सोचते हैं मेरा बच्चा मेरा बेटा अगर हुसैन का जवाब सदर में आए ना तो जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं कि इमाम हुसैन फरमाते हैं नाना अगर लोगों के मुंह पर कर की कमी है बनाने हम जो बैठे सुभान अल्लाह कि अगर लोगों के मुकद्दर में कमी है तो नाना बनाने हम जो बैठे नाना हुसैन ने इसे एक बेटा दिया। अब मिंबर से रसूल खुदा खड़े होकर कहते हैं नहीं हुसैन नहीं इसके नसीब में औलाद नहीं है, नाना हुसैन ने इसे दो बेटे दिए। नाना फरमा रहे हुसैन नहीं इसके नसीब में औलाद नहीं, नहीं नाना हुसैन ने सही बेटे। अब आका मिंबर पे खड़े मना किए जा रहे हैं, इमाम हुसैन जलाल ना बेटे पे बेटा नवाजे चले जा रहे हैं, सुभान अल्लाह जो राइब एक बेटे का सवाल लाया था मेरे इमाम हुसैन ने
उसे सात बेटों का बाप बना दिया। जब राहिम ने देखा हुसैन मिलने पे बेटा नवाजे चले जा रहे हैं, उनकी नहीं रहे ना आका के कहने से रुक रहे, तो उसने अपने हाथों को जोड़ा, हुसैन मिल्ला खुदा के लिए रुक गए, मुझे इससे ज्यादा बेटे नहीं चाहिए। इमाम हुसैन कहते हैं ए राहिम, मैं आज हुसैन को रोक दिया, 7 साल के सोचे कितने खूबसूरत लग रहे होंगे वो जलाल में, वो बच्चा क्या लग रहा होगा, ए फरमाते ए राहिल आज तुमने हुसैन को रोक दिया, नऊज खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आज हुसैन तुझे इतने बेटे देता कि रोजे महशर आदम की लाल एक तरफ जारी होती और तेरे बेटों की लाइन एक तरफ जारी होती। कैसे तुमने कहा भी कैसे कि मेरे नाना के दरबार से खाली जा रहा है, मेरे नाना के दरबार से कोई गाली नहीं जा सकता। अब जैसे महफिल में आशिकाने रसूल बैठे हैं तो बैठे लोग ऐसे भी होंगे कि दिन के दिमाग में खलल होता है, खलल के छोटे छोटे जैसे फिंगर होते हैं ना, वो ये सोचेंगे कि लो भाई अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, मगर क्या हुआ है अल्लाह और उसके रसूल के बड़े हो गए ना भी मना कर दो अल्फाज कि जो खुदा कहता है वो मोहम्मद करता है, जो खुदा कहता है वो मोहम्मद करता है, और जो इमाम हुसैन कह दे वो मोहम्मद को करना पड़ता है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें मैं खान जी से मिलने आई हूँ और ये उमरा कर आई थी, तो इनसे इनको मुबारकबाद भी देनी थी और इनसे मिलना भी था, बहुत दिल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, ये लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये जल्दी जाएंगी मैं इससे नाराज़ हो जाऊँगी भाई, ये क्योंकि हमने रक्षा करा था ना, नहीं मैंने रिक्शे वाले को भेज दिया ना, कोई इशू थोड़ी है। मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर झूम लेती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर झूम लेती हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जाहिर झूम लेती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा की नात कहने का वसीला देती, मोहम्मद मुस्तफा की नात कहने का वसीला देखो मैं घर बैठे मदीने की गलियां घूम लेती हूँ, मैं घर बैठे मदीने की गलियां घूम लेती हूँ, और जिंदगी को मकसद अगर बना लिया अपने मदीने को, पागल थे खुशी के मारे में हमें मतलब अगर जो भी पैसे थे वो सब हमने अजुआ खरीद लिया, सब खरीद लिए, जितने भी तबू दुकान थे मां के लिए ले लिए, उसके ढंडोरे पिटे हुए थे, 100 रुपया मिला, 100 रुपया कहीं और ले गए, यकीन करें ईद का क्या, ईद से भी बढ़ के समा था हमारे लिए, जब वापस आने की बारी आई तो मेरी बेटी ने लास्ट 2-3 दिन बचे थे हमारी साफ बना दी थी, ईद के बाद हमें वापस उनके सिवा चला हूँ लेके ये मोती दरे इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इससे बढ़कर आरज़ू दिल ही कोई इलाही, इससे बढ़कर मकसद साहिल ही कोई इलाही, उनके सिवा चला हूँ लेके ये मोती दरे मेरे तो आप ही सब कुछ है यार।
इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। बढ़कर आरज़ूए दिल ही कोई इलाही इससे बढ़कर मकसद साहिल ही कोई इलाही। और ये बड़े फखर से हम कहते हैं कि हम 11वीं और 12वीं उन्हीं का सबको उठा रहे हैं। तो आका क्या फरमा रहे हैं अपने गुलामों से, तवज्जो कीजिएगा और तसव्वुर रखिएगा, काश वो जल्दी दिन आ जाए और मदीने से हमारे नाम के इनविटेशन कार्ड आए। आका कह रहे हमें कि मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलामाए झोली
बर्ग झोली मेरी सरकारे मदीना बर्ग झोली मेरी शहनशाहे मदीना बर्ग झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कुछ नवासों का सदका अता हो अपने प्यारों का सदका अता हो दर पे आया बनकर सवारी घर पे आया बनकर सवारी झोली मेरी शहनशाहे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली और सबसे बड़े बेटा उनके सरों पर इज्जत के ताज रखने वाले हमारे गुनाहों को माफ कर हमारे सगीरा कबीरा जाने अनजाने छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ या रब्बे काबा हमसे राजी हो जा या रब्बे काबा हमसे राजी हो तेरी नाराजगी तेरे ये बंदे कमजोर आमीन सुमा में इन्न बना कुनबी तमाम हाजिर महफिल में जिसने ईद मिलादुन्नबी को बहुत बहुत मुबारक इस महफिल की बहुत बहुत मुबारक और सब आपस में मुसाफा कर रहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात और फाइन बाजी और खुशी से दिल खुशूर की उम्र की बहुत बहुत मुबारक अल्लाह पाक आपकी जिंदगी इस सफर में काम करे अल्लाह पाक आपको और आपके सबके में हम गुनाहगारों को दिया रहे मुबारक आमीन सुमा